जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कल एक ऐसी घटना हुई हजारीबाग में जो हजारीबाग में झील में रह रहे आसपास चलने वालों के लोगों के लिए एक अचंभा वाली बात हो गई, और ऐसी बात शायद पहले कभी, मतलब शायद ऐसा हम लोगों ने तो नहीं सुना है अपने 20-25 साल के करियर में। ये गालिब जी हैं, और गालिब जी इसी रोड से गुजर रहे थे झील की तरफ, और एक लड़का जो है वो डूब रहा था, और कैसे इन्होंने पहचान लिया या पकड़ लिया कि वो डूब रहा है, उसको जाके फिर बचाया, आइए इन्हीं से जानते हैं। एक ब्रेवरी अवार्ड तो इनको मिलना ही चाहिए, उस लड़के की जान बचाइए। तो गालिब जी, कैसे सोचा कि वो डूब रहा है, कैसे देखा आप लोग, क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? कल संडे का दिन था। हाँ। तो मैं और मेरे एक बड़े भाई हैं मोइन भाई, तो हम लोग यही रास्ते से झील के तरफ से गुजर रहे थे, तो अचानक यहाँ पर हम लोग को कुछ हरकत नज़र आई, तो देखे कुछ सर नज़र आ रहा है, बाल नज़र आ रहा है, तो अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो मोइन भाई को हम बोले कि अरे लगता है कोई मछली पकड़ रहा है, रुकिएगा का। अच्छा। तब फिर थोड़ा देर के बाद देखे अरे उसका शोल्डर आया, फिर उसका हाथ आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। हम बोले अरे डूब रहा है कोई लड़का। अच्छा। तो गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोक के जैसे हम लोग वहाँ गए नीचे में, तो बचाओ 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 आवाज़ आने लगा। हम लोग को तो दिमाग काम नहीं कर रहा था कि कैसे उसको बचाया जाए, कम से कम 10-12 फीट आगे था। तो हम लोग को देख के एक आदमी और बेचारा का हिम्मत हुआ, साथ में आया, तो हम लोग बोले अगर इसको बचाने जाते हैं तो हो सकता है हम लोग को भी खींच ले, दलदल है, घास है, क्या है, नहीं है। तो फिर हम लोग दोनों तीनों मिल के एक चैनल बनाए, एक दूसरा को हाथ पकड़े, और यहीं पर से एक झाड़ का डंडा मिला हम लोग को, जो उसको लड़का को दिए, और किसी तरह वो लड़का बेचारा पकड़ा उसको। अच्छा। और जैसे पकड़ा उसको हम लोग खींचे, उसके बाद पूरा मतलब घुटना तक हम लोग डूबे हुए थे, उसको खींच के बाहर लाए, पूरा पंप वंप किए पानी को, पानी उनी निकला उसको, पूरा होश में लाए, बाबू क्या है नहीं है बताओ क्या है, तो बोलने का स्थिति में नहीं था। अच्छा। बस वो खाली पॉकेट से एक शीशी निकाला और बोला कि भैया हम ये दवा खा चुके हैं। अच्छा। तो देखे कोई कीटनाशक दवा था। तभी फिर आनंद फानंद में हम लोग बोले कि इसको अब हॉस्पिटल लेना होगा, झील के जगह में ना टोटो मिल रहा है ना एम्बुलेंस मिलेगा, तो हम लोग को दिमाग लगाने लगे, गाड़ी उड़ी वाला कोई मिल नहीं रहा था, भीड़ भी लगे हुए थे, सब काफ़ी लोग सब एक दूसरे को देख रहे थे। मोइन भाई बोले जो होगा अल्लाह का नाम लीजिए, इसको बैठाइए अपना मोटरसाइकिल में और एकदम चलिए सदर अस्पताल, जो होगा देखा जाएगा। सदर अस्पताल में जाके उसको तुरंत ट्रामा सेंटर में ले गए, चिट्ठा उठा कटा के डॉक्टर से दिखा के भर्ती करवाए। तब लड़का जाके वहाँ पर अपना फादर का नंबर दिया, बहुत मुश्किल से दिया, मांगने से दे नहीं रहा था। फिर उसके फादर को फ़ोन किए तो उसके फादर भी शायद आउट ऑफ स्टेशन थे। अच्छा। तब बोले घर वाला को हम भेज रहे हैं, तो खैर उसके घर वाले आ गए। उस बीच में जब तक उसके घर वाले आते तब तक हम लोग जो भी इलाज का प्रक्रिया था उसको एडमिट करवा के उसको मतलब उसको चालू करवा दिए थे। तो जब उसके घर वाले आए तो बात उत हुआ, तो पता चला कि थोड़ा सा उसका माइंड डिस्टर्ब था, इलाज उलाज चल रहा था। तो उसी बीच में उसके घर वाले आए, तो जब उनके जब इलाज उलाज हुआ, तो फिर हम लोग और मोइन भाई फिर वहाँ से उनको सब चीज़ देखे, कि डॉक्टर भी बताएं कि नहीं खतरे से बाहर है। अच्छा। तब फिर हम लोग को तसल्ली हो गया, उसको छोड़ के भी जाने का मन नहीं था, कहीं ऐसा नहीं कि छोड़ के जाए और वो भाग जाए। जब तक परिवार वाले वहाँ रुके हुए रहे, जब तसल्ली हो गया, डॉक्टर बोला कि नहीं अब खतरे से बाहर है, तब फिर हम लोग वहाँ पर से हॉस्पिटल से निकले हम लोग। तो देखिए कैसे दो लोग जा रहे थे, एक अनजान व्यक्ति डूब रहा था और उसको बचाने के लिए झील में, और बचा भी लिया, हॉस्पिटल भी पहुंचाया, और बाकी की जो कहानी है वो हम लोग वहाँ जानते हैं। वो सौरभ सिन्हा नाम था उस लड़के का जिसको इन्होंने बचाया, और इनका नाम है गालिब, और हजारीबाग के जाने माने व्यक्ति भी हैं, लाखे में रहते हैं। इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम मोइन है, और दोनों मिल के झील वॉक करते हैं, हमेशा वॉक करते हैं, झील की तरफ जा रहे थे और देखा डूबते हुए और बचाया। तो कैसे देखिए किस तरह से एक जान जो है इन्होंने बचाया है। तो वो क्या हुआ था मतलब आपके भाई के साथ, और कैसे पता चला कि वो हॉस्पिटल पहुंचा? जी वो झील में गिर गया था, तो मोइन भाई और गुलाम भाई को बचाए थे, और उसके बाद भाई के द्वारा हम लोग को सूचना मिला था, उसके बाद हम लोग कुछ देर बाद अस्पताल पहुँचे, उससे पहले ही यहाँ पर भाई लोग के द्वारा इलाज जारी कर दिया गया था। तो आप लोग पता कब चला, मतलब कैसे पता चला? फ़ोन किए थे भाई लोग। भाई ने फोन किया? जी जी। तो आप क्या करते हैं? जी अभी मैं ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ। घर विष्णुपुरी चौक। तो क्या मतलब आपके जो भाई हैं उसकी स्थिति कैसी है? अभी फिलहाल स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर है, किसी भी तरीके का कोई सीरियस इशू नहीं है। और जिन्होंने जान बचाया उनके लिए क्या कहना? उनके लिए बहुत बहुत उनका मैं शुक्रगुजार रहूँगा कि इन्होंने जान बचाई। फिर कल जब मैं आया वहाँ से तो इन लोग से मिला भी, कल रात शाम में भी मुलाकात हुई थी, अभी भी आए हुए हैं। तो
काफ़ी इनका शुक्रगुजार रहूँगा मैं। और इस तरीके का अमूमन अगर केस होता है कहीं भी तो लोगों को इसके लिए जागरूक रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, और अगर इस तरीके के आसपास दिखे कहीं तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस फेज में इंसान को मेंटल सपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। आपका नाम? साहिल सिन्हा।